हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रेमोडेक्स। आई एम अ सेल्स कोच, लाइफ कोच एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर। आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया। टॉपिक इज ऑल अबाउट व्हाई दीज 21 डेज आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर मी, और ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी किस तरीके से बन रहा है। पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे व्हाई दीज 21 डेज आर देयर, ये कब कैसे कहां पे आया था, एंड दीज 21 डेज आर गोइंग टू बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, ये मेरे को कैसे पता चलेगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। मैक्सवेल 1950 के एक बहुत ही फेमस सर्जन थे। उस समय उस दौरान उनके पास में सैकड़ों हजारों पेशेंट जो रहते थे वो आजू बाजू में उनके घूमते रहते थे। वो उनपे स्टडी करते थे, रिसर्च करते थे, उसी के बेसिस पे मेडिसिन ऑपरेशन उनके लिए तैयार करते थे, डिस्कवर करते थे। कुछ समय बाद में उन्होंने एक हैबिट फॉर्मेशन देखा उन लोगों के बीच में, मतलब वो कुछ पैटर्न फॉलो कर रहे थे जिसके बेसिस पे वो कॉन्शियसली नहीं लेकिन सबकॉन्शियसली वो चीजों को सोचे जा रहे थे और वो चीजें हैबिट में कन्वर्ट हो जा रहे थे। कुछ एक्टिविटीज को रेगुलर बेसिस पे कर रहे थे, वो एक्टिविटीज हैबिट में कन्वर्ट हो जा रही। मैक्सवेल ये देखकर के बहुत ज्यादा हैरान हो गए। आज भी पहले भी हैबिट फॉर्मेशन एक बहुत बड़ा रिसर्च का टॉपिक रहा है। उस समय उन्होंने इसको जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुकता दिखाई, अपनी टीम को बैठाया। टीम को बैठाने के बाद में उन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया वहां पर कि ऐसी चीजें मैं देख रहा हूँ कि मेरे जितने भी जो पेशेंट है उनके अंदर में एक हैबिट फॉर्मेशन हो रहा है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तो सबके सब बोलते हैं सर लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट ऑन इट, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ये आ कहां से रहा है। एक्सपेरिमेंट चले सुबह दोपहर शाम, डेली वो एक्सपेरिमेंट करना चालू किया, समझने की कोशिश की कि पैटर्न कहां से फॉर्म हो रहा है। तभी उन्हें समझ में आया जो पेशेंट उनके वहां पे थे वो 21 दिन में एक हैबिट को फॉर्म कर रहे थे। 21 दिन के इस हैबिट फॉर्मेशन को देखकर के मैक्सवेल बहुत ज्यादा हैरान हो गए। वो सोचने लगे कि 21 दिन में एक हैबिट कैसे फॉर्म हो सकता है, बहुत ही छोटा टाइम पीरियड है लेकिन इसमें एक हैबिट फॉर्म हो जा रहा है। इसको देख करके वो और उनकी टीम बहुत ज्यादा खुश हुई। उसके बाद में उन्होंने एक्सपेरिमेंट वहां पे नहीं रोका, 21 दिन को रेगुलर टेस्ट करते रहे समझने की कोशिश की ये 21 दिन कहने के फेल तो नहीं हो रहा। उन्होंने अलग अलग लोगों पे ट्राई किया और धीरे धीरे उन्हें पता चला कि हर जगह हर समय सक्सेसफुल हो रही है। और 1950 का समय और आज का समय हमेशा जब भी 21 डेज का फॉर्मूला अप्लाई किया गया हमेशा रिजल्ट मिले हैं लोगों को। एक तरफ 21 दिन का फॉर्मूला और एक तरफ 21 दिन का टाइम पीरियड जो गवर्नमेंट ने हमें भी दिया है। इस टाइम फ्रेम को अगर आप अपनी तरफ से बेहतर तरीके से यूज करके चलिए आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए पहले आप जॉब को जाते थे, अभी आप क्या कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर रेस्टार्ट होम कर रहे हैं, दोनों में से एक ना एक चीज आप अपनी तरफ से कर रहे होंगे। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो अगर आप एक चेंजेस देख करके चले तो पहले क्या होता था आपको ऑफिस तक जाना पड़ता था, एक डेढ़ घंटे का टाइम पीरियड कम से कम लगता था जाने में, एक डेढ़ घंटे का टाइम पीरियड आने में लग जाता था। उसी टाइम फ्रेम को अगर आप देख करके चले वो आपका टाइम फ्रेम बच जा रहा है। वो टाइम पीरियड अगर आपका बच गया तो 3 घंटे तो आपके ऐसे बच जाते हैं। अब 3 घंटे आपके ऐसे बच जा रहे हैं तो ये 3 घंटे आप किसी चीज में यूटिलाइज कर सकते हैं। अब आप घर के अंदर में 9 बजे आप उठ रहे हैं, 9 बजे अपना काम चालू कर रहे हैं, 5 बजे आप अपने काम से बाहर निकल जा रहे हैं। करेक्ट 9 बजे आप चालू कर पा रहे हैं, घर से बैठे बैठे ही 5 बजे आप उससे निकल भी जा रहे हैं। आपके पास में टाइम पीरियड जो रहता है वो बहुत अच्छा बच जाता है। आप एक और एक क्या चीजें होती थी उस समय में, आप टायर्ड बहुत ज्यादा हो जाते, थक जाते थे, काम करने के बाद में बहुत ज्यादा थकान होता, इधर उधर दौड़ना पड़ता, सारी चीजें करनी पड़ती, फाइल्स इधर से ले जाओ उधर ले जाओ, ये सारी चीजें, टीम्स को हैंडल करना, लोगों को हैंडल करना, मैनेजमेंट लेवल का वो प्रेशर, वो सारी चीजें कहने की बहुत डिमिनिश हो चुकी है। वही चीजें अगर आप यहाँ पे देख करके चले आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। देखिए कुछ हैबिट फॉर्मेशन, कुछ पैशन, कुछ इंटरेस्ट आपका पहले रहा था वो आप फॉलो नहीं कर पा रहे थे लेकिन अगर आप अभी देख करके चलेंगे वही टाइम पीरियड आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिला है जिसे आपने अच्छे तरीके से यूज किया तो आप कुछ हैबिट फॉर्मेशन को आगे लेकर के चल पाएंगे। मान करके चलिए आपको पहले जिम जाना था लेकिन आप जिम को नहीं जा पा रहे थे। मान करके चलिए पहले आपको एक्सरसाइज करना था लेकिन आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे, आपको टाइम भी नहीं मिला उसके बारे में जानने के लिए कि किस तरीके से डंबल्स उठाना है, किस तरीके से एक्सरसाइजेस करना है, आपको योगा करना था, आपको टाइम पीरियड नहीं मिला। आज आपके पास में टाइम है, आप घर पे ही हैं, आपके पास में अच्छा खासा टाइम पीरियड बाकी है, उस टाइम पीरियड को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से जब भी आप कोई भी एक्सरसाइजेस करने जाए, योगा करने जाए, आपके पास में यूट्यूब अवेलेबल, यूट्यूब पे आप वीडियोस अपनी तरफ से देख सकते हैं। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी कैसे बन गया है, आप कुछ ना कुछ चीजों में इंटरेस्टेड रहे होंगे, आपकी कुछ ना कुछ हॉबी रही होगी, कुछ ना कुछ पैशन रहा होगा जिसको आप कभी भी टाइम नहीं दे पाए। आप ऑफिस में रहते थे, ओवर टाइम करते थे, प्रेशर रहता था, बहुत सारी चीजें वहां पे रहती थी जिसकी वजह से आप थक जाते थे, आप ट्रैवलिंग लंबा करते थे, आपको टाइम नहीं मिल पाता, तो वो तरह तरह की चीजें जो मेरे साथ में जुड़ी रही थी जिसकी वजह से मैं वो एक्टिविटी नहीं कर पा रहा। आज मेरे पास में उसके लिए टाइम है, आज मैं उन एक्टिविटीज को अपनी तरफ से कर सकता हूँ। मैं अपनी तरफ से क्या कर सकता हूँ, मैं दिन के स्टार्ट को लेकर के शाम के एंड तक अपनी तरफ से उन एक्टिविटीज को प्रैक्टिस कर सकता हूँ। मेरे पास में बहुत सारे गूगल इंजन अवेलेबल है जहां पे मैं जाकर के उन चीजों को चेक कर सकता हूँ। गूगल सर्च में जाइए, मेरे को योगा करना मान करके चले, मैं गूगल सर्च में जाऊंगा, यूट्यूब में जाऊंगा, उन चीजों को सीखूंगा, फिर उसे इंप्लीमेंट करने के लिए अपने घर का स्पेस यूज करूंगा।
मेरे पास में अच्छा खासा टाइम हो जाएगा, और अगर मैं इस 21 डेज के अंदर में उन चीजों को सीख जाता हूँ, बेहतर तरीके से कर जाता हूँ, 21 डेज तक उसे कंसिस्टेंटली करते रहता हूँ, तो उसके बाद में देयर विल बी अ लॉट मोर प्रोबेबिलिटी वो जल्दी आपसे दूर नहीं होंगी। मतलब आप एक हैबिट फॉर्म कर लेंगे अपने लिए जो आपके डे टू डे रूटीन में भी कहीं ना कहीं घुस जाएगी, कहीं ना कहीं आपसे अटैच हो जाएगी, और एक बार आपसे अटैच होगी आपके वर्क के बाद में भी आप उसे करना चाहेंगे। जिम वाले आपने बहुत सारे फ्रीक देखे होंगे, उन लोग क्या करते हैं जब उन्हें टाइम नहीं मिलता वो किसी भी तरीके से उसके लिए टाइम निकालते हैं। अगर वो 9 बजे भी रूम पे आ रहे हैं और उनका हैबिट उसके लिए बन गया है तो वो क्या करते हैं 9:30-10 बजे जाकर के जिम से अपना जो थकान है वो वहां पे दूर कर देते हैं, जिम में जाकर के एक्सरसाइज करके वापस घर 10:30-11 बजे आते हैं, खाना वाना खा के 12 बजे सो जाते हैं, फिर से सुबह ऑफिस के लिए उठ जाते हैं। सो यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट और पैशन जिसे आप फॉलो करना चाहते थे उसे आप आज के दिन में अपनी तरफ से करके चल सकते हैं। सो दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी। मेरे को टाइम नहीं मिलता था, आज मेरे पास में टाइम अवेलेबल है। जो दिन आज आपको मिले हैं उसे अच्छे से यूटिलाइज करें। ये टाइम आपके पास में वापस कभी भी नहीं आने वाला। यही सेम चीज वापस जिंदगी में आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा बहुत ही कम रहेगी। रिटायर होने के बाद में उन सारी चीजों को कर पाएगा और मालूम नहीं है उस समय आपका बॉडी किस तरीके का रहेगा, उन सारे हॉबीज और एक्टिविटीज को जो आप करना चाहते थे, पैशनेट थे, उस समय कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सो बेटर यूटिलाइज दिस टाइम पीरियड दैट यू आर गेटिंग राइट नाउ। और इसी के साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको रेगुलर ऐसे कंटेंट आपके नोटिफिकेशन में आपको मिलते रहेंगे, वहां से आप जाकर के इन वीडियोस को देख सकते हैं। Thank you very much for giving your valuable time, and this is Premodex.